हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये मैं फोलियर स्प्रे कर रही हूँ। फोलियर स्प्रे क्या होता है, ये सारे स्टैक किए हुए मैंने कॉर्नर में, क्योंकि अभी बहुत गर्मियां शुरू हो गई हैं यहाँ गुड़गांव दिल्ली के आसपास एनसीआर में, तो ये सारे इकट्ठे हैं और इनको मैं ये क्या कर रही हूँ, फोलियर स्प्रे दे रही हूँ। फोलियर मतलब होता है ये सब फोलियज है, जितनी लीव्स हैं प्लांट्स की ये सब फोलियज हैं। और ये प्लांट्स फोलियर स्प्रे क्या होता है ये भी आगे बताऊंगी मैं। फोलियर स्प्रे कौन सा है, कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें मैं इसमें कवर करूंगी आगे। देखिए, ऐसे करते ही सब पौधों में ये स्प्रे हो रहा है, इसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सब कुछ आगे तक कवर करूंगी। आप एंड तक इसके वीडियो के रहिएगा और यू विल गेट लॉट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन विच विल कीप यू वेरी एनग्रॉस्ड और आपको अपने पौधों में हेल्प करेगा कि कैसे आप भी अपने पौधे समर्स में, विंटर्स में, हर सीजन में ग्रीन रख सकते हैं और न्यूट्रिश रख सकते हैं। तो चलिए, ये फोलियर स्प्रे क्या लिया है मैंने, ये मैंने लिया है सी वीड एक्सट्रैक्ट। ये देखिए, ये है बायोवीटा का है, कई कंपनी का आता है, सी वीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं इसको, नीचे लिखा है सी वीड। और एक ये लिक्विड फॉर्म में आता है, दो टाइप में आता है, एक ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ग्रैन्यूलर फॉर्म में आता है। ये ग्रैन्यूलर फॉर्म में क्या है, इसका नाम है सी सीक्रेट, नाम तो ऐसे ही लिखा है, ये इफ्को वालों का है। और ये इसमें सी वीड एक्सट्रैक्ट है। सी वीड एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जो समुन्दर के नीचे जो वो होते हैं, वीड्स होते हैं, जो घास फूस ये सारी चीजें, एल्गीज ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, तो ये उनके वहां से लिया जाता है। वो सारे वीड्स को इकट्ठा करके वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम हमारे समुद्र के नीचे, देखिए नेचर ने हमको सारी चीजें दी हुई हैं, हमको खाली उसको यूज करना है, और कैसे यूज करना है ये हमको समझ आ जाए तो हमारा वर्ल्ड इन इटसेल्फ कंप्लीट है। कोई केमिकल्स हम लोग को पौधों के लिए यूज करने के लिए, टोटली ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक चीजों से क्या फायदे होते हैं, सबसे बड़ी चीजें, बड़ी बड़ा फायदा ये होता है कि जो मिट्टी है, जो हम लोग की पॉटिंग मिक्स है, वो उसकी पीएच वैल्यू क्या, उसकी न्यूट्रिएंट्स क्या, उसकी क्वालिटी सब कुछ मेंटेन रहती है। और अगर केमिकल्स और सिंथेटिक यूज करते हैं केमिकल्स, तो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज वो लूज करता जाता ओवर द इयर्स। और ऑर्गेनिक अगर हम लोग फर्टिलाइज करते हैं ऑर्गेनिकली, तो पेड़ तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में हर गमले की पॉटिंग सॉइल अच्छी रहेगी। सेम इज द केस जहां पर बहुत सारी हम लोग वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, सीरियल्स ग्रो करते हैं, वो भी फील्ड्स में भी अगर हम लोग केमिकल्स यूज करेंगे तो उस जमीन की, उस पीस ऑफ लैंड की क्वालिटी गिरती जाएगी। और अगर हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो और एनहेंस होती रहेगी। कैसे एनहेंस होगी, इसमें बहुत सारे जो सीवीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, और हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और जो मिट्टी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको और हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ताकि क्वालिटी ऑफ सॉइल आपकी इम्प्रूव हो सके। इसलिए हम लोग ये सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, चाहे ग्रैन्यूलर फॉर्म में यूज करें, चाहे मिट्टी में यूज करें, चाहे फोलियज में यूज करें। अब हम लोग ने देख लिया कि ये कितना इफेक्टिव है और क्या क्या फायदे हैं। सेकेंड फायदा मैं बता देती हूँ, इतने सारे तो मैंने बता दिए, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और बहुत सारे हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, इसमें एक हार्मोन होता है, उसको कहते हैं हम लोग जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक हार्मोन होता है मतलब, तो जिब्रेलिक हार्मोन होता है जो हम लोग को हेल्प करता है खूब फ्लावरिंग देने में। और फ्लावरिंग अगर अच्छी होगी तो फ्रूट्स भी ज्यादा अच्छे होंगे, फ्रूट्स अच्छे होंगे तो हमारी यील्ड या हमारा पैदावार भी बढ़िया हो जाएगा। और यही हार्मोन हमको, हम लोग के अपने पॉट्स में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ, ये लार्जर स्केल में भी यूज होता है और हम लोग ये छोटे स्केल अपने घर के पॉट्स में भी यूज कर सकते हैं।
एक और फायदा बताती हूँ आपको, ये बहुत चीप होता है। और एक और फायदा बताती हूँ, ये देखिए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर आप घर में रखते हैं, अगर कॉम्पोस्ट वम्पोस्ट लेके आते हैं तो उसको तो आपको बड़े बड़े सैक्स में या कट्टों में लेके आना पड़ता है। ये तो आप बहुत छोटी छोटी बॉटल्स, ये तो बहुत ही छोटी से बड़ी बॉटल्स भी ला सकते हैं, 4 बॉटल्स ला सकते हैं। ये भी कैसे यूज करना है मैं सब बताऊंगी आपको। तो ये चीप भी है, स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सी वीड एक्सट्रैक्ट के। अब मैं सी वीड एक्सट्रैक्ट का फोलियर स्प्रे के बारे में खाली कवर करूंगी। फोलियर स्प्रे में क्या होता है, ये देखिए जैसे ये लीफ है, लीफ के अंडर साइड में स्टोमेटाज होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं हर लीफ के नीचे नीचे, वहां से वो ब्रीथ करता है। और ये जब हम लोग फोलियर स्प्रे डालते हैं तो ये दोनों जगह से एब्जॉर्ब हो जाता है, ऊपर से भी एपिडर्मिस से भी और नीचे स्टोमेटा से भी। इस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स रूट्स से तो लेते हैं, साथ में लीफ भी हेल्प करती है लेने में न्यूट्रिशन। और जब आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्लोरोफिल है उसमें, और जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसने ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लिया। नहीं तो क्या होता है, रूट में जाएगा न्यूट्रिशन, नीचे से ऊपर आएगा। तो आपने क्या किया है, इसको दे दिया न्यूट्रिशन, लीफ को ही दे दिया, कैसे करके, फोलियर स्प्रे करके। तो ये फोलियर स्प्रे का ये इस तरीके से ये एब्जॉर्ब करता है। और ऐसे फायदा इतनी जल्दी, इसलिए इसका इतना जल्दी फायदा होता है। अच्छा, अब मैं इसमें बताती हूं कि आपको बनाना कैसे है ये फोलियर स्प्रे। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है तो आपको कोई डर नहीं है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कैसे यूज करती हूँ, मैं थोड़ा डाइल्यूटेड यूज करती हूँ। एक ढक्कन जो होता है वो 5 ml होता है, जो आपकी नॉर्मल इसका ढक्कन होता है, ये बॉटल्स का ढक्कन। तो ये एक ढक्कन भर के मैं लेती हूँ 5 liter ऑफ वाटर में, और उसका फोलियर स्प्रे बना के अच्छे से हर प्लांट में स्प्रे कर देती हूँ। और इसको कब कब कितने गैप में स्प्रे कर सकते हैं, इसको आप महीने में 40 डेज में एक बार आराम से स्प्रे कर सकते हैं हर प्लांट में तसल्ली से। और ये सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे बनाना है, इसका क्या डाइल्यूशन होना चाहिए। ये खाली फोलियर स्प्रे के बारे में, अभी मैं इसके बारे में एकदम नहीं कवर करूंगी, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 5 ml इन 5 liters ऑफ वाटर लेके इसको स्प्रे करते हैं। और कब करते हैं, सेकेंड पॉइंट है ये, इसको स्प्रे कोशिश करिए मॉर्निंग में या इवनिंग में करें, जब थोड़ा कोल्डर क्लाइमेट हो, डे हो, दिन का सबसे ठंडा टाइम जो हो उसमें इसको स्प्रे करना है। तो ये इवनिंग में करते हैं तो अच्छा रहता है, 4-5 बजे अगर बहुत धूप है तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं मॉर्निंग में 5-6 बजे कर दीजिए इसको ये। और इसको ह्यूमिड जब हो मतलब अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी इवेपरेट नहीं होता, थर्ड है। और फोर्थ क्या है कि बहुत तेज हवा चल रही है तब भी थोड़ा अवॉइड करिए, नहीं तो क्या होगा, आप स्प्रे करेंगे करते करते आधा से ज्यादा सूख जाएगा। इसको थोड़ा टाइम चाहिए एब्जॉर्ब करने में। तो अगर आप ठंडे टाइम में और कम हवा चल रही हो उस टाइम करेंगे तो बहुत देर तक रहेगा फोलियर स्प्रे। देखिए अब अभी भी आपको गीला नजर आ रहा होगा, अभी मैंने किया था अभी भी गीला नजर आ रहा है। तो इट विल हैव एनफ टाइम टू एब्जॉर्ब द सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, इन इसमें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये प्लांट को ज्यादा टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे इसको फीड करना है फोलियर पत्तियों को। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप देखें प्लांट स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है मतलब कि जैसे ये है, अगर कोई सूख रहा है या मतलब मर सा रहा है उसमें मत डालिए, उसमें नहीं डालना, स्ट्रेस प्लांट में नहीं डालना है। और
बहुत ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड यूज ना करें। कॉन्सेंट्रेटेड यूज करने से क्या होता है, देखिए फोलियर स्प्रे समर्स में वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो शायद आपकी लीफ बर्न हो जाए, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो यू नेवर नो। और फोलियर स्प्रे देखिए कैसे हेल्प करेगा, ये जैसे मनी प्लांट है, इसकी नोड्स है ये, यहाँ से इसकी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये इजी है, ये देखिए यहाँ पर इसकी रूट्स निकल रही हैं, तो फोलियर पत्तियों में तो मिलेगा मिलेगा, यहाँ पर भी मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स दोनों चीज मिलेंगे, यहाँ से भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी लीव्स यहीं से ग्रो होनी शुरू कर जाएंगी, तो आपकी लीव्स भी बड़ी हो जाएंगी। कॉन्सेंट्रेटेड मत करिए, जितनी अगर इन केस ऑफ डाउट हमेशा डाइल्यूट कर दीजिए उसको, और डाइल्यूट में क्या होगा, न्यूट्रिशन कम भी हो जाएगा मगर आपका पानी तो पहुंच ही रहा है, और पानी से कितने एडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि पानी से देखिए ये गीला रहता है, मॉस्टिक भी गीली हो जाएगी, ये भी मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये पांच छह पॉइंट है जिसमें जिसको आपको स्प्रे करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, इसका भी कवर कर देती हूँ थोड़ा सा। सिमिलरली ये भी जो ग्रेन्यूल्स हैं इनको कैसे देंगे, इनको रूट्स के थ्रू देंगे, और मैं कोशिश करती हूँ जितना इसमें डायरेक्शन में लिखा है वैसे आप वो भी यूज कर सकते हो, मगर मैं उससे भी कम यूज करती हूँ। ये देखिए इस टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इसको क्या करना है, इतना सा बहुत है एट ए टाइम, और इसको क्या करेंगे, इसको ये पॉट के चारों तरफ, कोई सा भी पॉट ले लेते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे, और बस ये करना है, ये महीने में एक बार आप कर सकते हैं, और अगर कम है डजंट मैटर। आई होप आपको ये वीडियो फोलियर स्प्रे ऑफ सी वीड एक्सट्रैक्ट अच्छा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।